एन -E की तरफ से टीचर्स की रिक्रूटमेंट आ रही है पीजीटी टीजीटी पीआरटी तीनों तरह के शिक्षकों की भर्ती है पीजीटी टीजीटी के लगभग सभी सब्जेक्ट्स के लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है तो इस रिक्रूटमेंट के बारे में हम बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तो ठीक है अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो इसके ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं और डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी सबसे पहले आप देखिए किस किस सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है पीजीटी इंग्लिश पीजीटी मैथ पीजीटी ज्योग्रफी पीजीटी संस्कृत पीजीटी बायोलॉजी पीजीटी गाइडेंस एंड काउंसलिंग पीजीटी कंप्यूटर साइंस टीजीटी इंग्लिश टीजीटी मैथ टीजीटी सोशल साइंस में जोग्राफी है टीजीटी सोशल साइंस हिस्ट्री टीजीटी साइंस में फिजिक्स टीजीटी केमेस्ट्री टीजीटी ओडिया टीजीटी हिंदी टीजीटी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पीआरटी पीआरटी म्यूजिक प्रोफेशनल असिस्टेंट डब्ल्यूटी कंप्यूटर साइंस डब्ल्यूटी आर्ट एंड क्राफ्ट डब्लू ईटी ऑडियो इंजीनियरिंग डब्ल्यूटी सिस्टम एंड नेटवर्क इंजीनियरिंग वोकेशनल एजुकेशन टीचर ब्यूटी एंड वेलनेस वोकेशनल एजुकेशन टीचर आई टी एंड आई टीज तो इन इन सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट है अगर इनमें से कोई आपका सब्जेक्ट है तो फिर आप वीडियो को आगे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट आ रही है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर की तरफ से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीई टी का ही ये इंस्टीट्यूट है जहां की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है सताइस अगस्त दो नोटिफिकेशन पे डेट डली हुई है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की रिक्रूटमेंट है 30 चार 2021 तक के लिए आपको ये जॉब मिल जाएगी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका 30 चार 2021 तक का है अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन पीजीटी इंग्लिश मैथ जोग्राफी संस्कृत बायोलॉजी पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन ये देखिए कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री कॉम्पिटेंसी टू टीच टू इंग्लिश एंड हिन्दी मीडियम हिन्दी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाए असेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पीजीटी बायोलॉजी पीजीटी बायोलॉजी के लिए अलग से दे दी गई है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकोग्नाइज यूनिवर्सिटी इन बोटनी जुलोजी लाइफ साइंस बायोसाइंस जेनेटिक्स माइक्रो बायोलॉजी बायोटेक्लॉजी मोलिकुलर बायो प्लांट टेक्लॉजी प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बोटनी एंड जुलजी एट ग्रेजुएशन लेवल डिजायरेबल है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एज लिमिट 40 साल से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2020 को इसके बाद पीजीटी गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री साइकोलॉजी में कम से कम पचास प्रतिशत अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में और उसी के साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग एज लिमिट है 40 साल 1 जनवरी 2020 को पी कंप्यूटर साइंस के लिए कम से कम पचास प्रतिशत अंकों के साथ बी या बीटेक आपने कर रखी हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं उसके बाद टी इंग्लिश मैथ सोशल साइंस में ज्योग्राफी हिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री ओडिया हिंदी मतलब टी के लिए जो कॉमन क्वालिफिकेशन है उनके लिए या तो आपने चार साल का जो इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कराया जाता है एनसीईआरटी के रीजनल इंस्टीट्यूट के द्वारा वो कर रखा हो नहीं तो फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए सी भी आपका क्लियर होना आवश्यक है सी का पेपर टू ये देखिए फॉर अपर प्राइमरी वो भी आपका क्लियर होना आवश्यक है कॉम्पिटेंसी टू टीच दो हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाए कंप्यूटर की नॉलेज या कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज डिजायरेबल है अपर एज लिमिट 35 साल है 1 जनवरी 2020 को इसके बाद टीजीटी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए बैचलर्स डिग्री फिजिकल एजुकेशन में और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाए मैक्सिमम एज पैंतीस साल एक जनवरी दो को पीआरटी के लिए सीनियर सेकेंडरी टेन प्लस टू आपने कर रखी हो कम से कम पचास प्रतिशत अंकों के साथ सीटेट का पेपर वन भी आपका क्लियर होना आवश्यक है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाए अपर एज लिमिट तीस साल एक जनवरी दो हजार बीस को पीआरटी म्यूजिक के लिए सीनियर सेकेंडरी टेन प्लस टू आपने कर रखी हो पचास प्रतिशत अंकों के साथ उसी के साथ साथ बैचलर इन म्यूजिक और इक्विलियंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और कम्पिटेंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया डिजायरेबल है कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज अपर एज लिमिट है तीस साल प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए एम लिब एस या एम या इसके समकक्ष कम से कम पचास प्रतिशत अंकों के साथ आपने कर रखी है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस मांगा गया है अपर एज लिमिट तीस साल है डब्ल्यू कंप्यूटर साइंस के लिए कम से कम तीन साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए हायर सेकेंडरी के बाद कंप्यूटर में तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर बी एस टेक्नोलॉजी में और बी आपने कर रखी है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं उसके बाद कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है ये भी आप देख लीजिएगा डब्ल्यू आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए पांच साल का डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग में पेंटिंग में या स्कल्पचर में या ग्राफिक आर्ट में या फिर इसके समकक्ष कोई भी डिग्री हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाए अपर एज लिमिट 35 साल डब्ल्यू ई टी इंजीनियरिंग के लिए साउंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास या फिर बी ई बी टेक आपने कर रखी हो साउंड इंजीनियरिंग में तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं डब्ल्यू ई सिस्टम एंड नेटवर्किंग इंजीनियरिंग के लिए या तो आपने डिप्लोमा कर रखा हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या फिर आई टी में तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर आपने बीबीटेक कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर एमसीए फ्रॉम ए रिकॉगनाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं वोकेशनल एजुकेशन टीचर एंड ब्यूटी वेलनेस के लिए असेंशियल है डिप्लोमा इन कोस्मेटोलॉजी ब्यूटी थेरेपी ब्यूटी कल्चर फ्रॉम माई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम वन ईयर वर्क टीचिंग एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड वोकेशनल एजुकेशन टीचर आई टी के लिए डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या फिर आई में आपने कर रखा हो या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री हो कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर आपने बी सी ए कंप्यूटर साइंस में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रखी है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद आपने पीजी कर रखा है या डोएक का ए लेवल सर्टिफिकेट है आपके पास तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं अपर एज लिमिट है सैंतीस साल मिनिमम एजेस अट्ठारह साल ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट है आर आई बी बी एस डॉट ए सी डॉट इन या फिर आर आई ई 2020 इकतीस आठ दो हजार बीस से एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है जो कि छह नौ दो हजार बीस तक जारी रहेगा इंटरव्यू आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड किसी भी माध्यम से कंडक्ट कराया जा सकता है आपको सूचित कर दिया जाएगा ई के माध्यम से और जहां तक सैलरी की बात है पीसीटी के लिए सताईस हजार पांच सौ है टी और डब्ल्यू टी आल सब्जेक्ट के लिए छब्बीस हजार दो सौ पचास है पी आर टी के लिए इक्कीस हजार दो सौ पचास है प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए तैतीस हजार है वोकेशनल टीचर के लिए पच्चीस हजार है ये है इनके लिए सैलरी और ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म या बायोडाटा फॉर्म आप इसको बोल सकते हैं आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है और इसको भरना है और इसको स्कैन करना है और इसी के साथ साथ जो भी आपके असेंशियल डॉक्यूमेंट है वो भी स्कैन करना है और ये स्कैन कॉपी आपको अपलोड कर देनी है वेबसाइट पे कहां पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये है ऑफिशियल वेबसाइट क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर की रिक्रूटमेंट के सेक्शन पे आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन दिखाई दी जाएगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्ट बेसिस आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे आके आपको इन पदों के लिए आवेदन करना होगा सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको बिल्कुल विस्तार से प्रोवाइड करा दी गई है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार